हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो आप सभी लोग कैसे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर सब कुछ बेहतरीन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा ही और चलने वाला है। जैसे ही हर चीज़ें क्लियर होने वाली हैं उसी तरह से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, हालांकि एक या दो क्वेश्चन तो ऑलवेज इसमें फिक्स रहते हैं, पर आपको ये समझना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आज के बाद से वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना। तो हम लोग उसे बहुत ही इजीली वे में पढ़ेंगे जिससे वो सारे टॉपिक क्लियर हो सके जो हमारे लिए आगे एग्जाम में आने वाले हैं, और फ्रिक्शन का भूत हमारे दिमाग से बिल्कुल ही उतर जाए, है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जानकारी ये है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, बस ये आपके जानने योग्य बात थी मैंने बता दी। अब फ्रिक्शन के बारे में मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, कुछ इमेज दिखाता हूँ। पहले आप पहले कि ये इमेज देखिए, ठीक है, एक ये वाली भी देखिए और एक ये वाली। तीनों इमेज देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आया होगा कि एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसे काम करता है। जो पहली इमेज आपने देखी, ये कार वाली इमेज है, इस कार को आगे, ये कार आगे बढ़ रही है, बढ़ने के साथ में अगर हमने एक निश्चित एक वेलोसिटी इसको दे दी, तो थोड़ी देर के बाद में हम ये देखते हैं, ये हमें फाइंड होता है कि उसकी वेलोसिटी कम हो गई या उसकी एनर्जी कम हो गई। तो इससे हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी जो वैल्यू है वो लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होगी, मीन्स सड़क के बीच में जो हमारी रोड दी हुई है। दूसरा, आपने एक और इमेज देखी जिसमें एक गेंद को बैट से मारा जा रहा है, वो सरफेस पे लुढ़कती हुई आगे जा रही है, कुछ देर बाद रुक जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में हर एक ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। वो कई फॉर्म में होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने किसी ऑब्जेक्ट को दी, देने के बाद में क्या होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी लूज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब हम चलते हैं तो चलने के लिए फ्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी बाइक को स्पीड देने के लिए फ्रिक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। किसी बाइक को रोकने के लिए, जो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है उसे रोकने के लिए भी फ्रिक्शन बहुत बड़ा काम करता है। इस टाइप की बेसिक चीज़ें आपने तो बचपन में पढ़ी होंगी, आपको पता है। आज हम लोग इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे कि एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ये आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रफ करते हैं तो वहाँ पर एक एनर्जी इंटरचेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और वहाँ पर प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी हमें ये समझना है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें काम कर रहा है तो एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। सपोज करिए कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को हमने दूसरे न्यूक्लियस से रगड़ा। रगड़ने के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, रफ करने के टाइम पे हम देखते हैं कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं, तो ये जो रगड़ना है इसे ही फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बेसिक सिंपल सी लैंग्वेज में ये जो रगड़ रहे हैं फ्रिक्शन है, ठीक है। इस मार्कर से हम इस पर कुछ लिखेंगे, ये फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे ना होता तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। हम जल रहे हैं, ये एक फ्रिक्शन है, ठीक है। आप अपने घर से किसी दूसरे के घर जाते हैं बाइक से, पैदल, किसी भी तरीके से, फ्रिक्शन है। हर एक बेसिक तरीका आपके आसपास अवेलेबल है, आपको उसे सिर्फ पहचानना है, देखना है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है ना। जब हम अपने इस मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं तो इसकी इंक के पार्टिकल, ये बोर्ड के पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। अगर ये ना चिपके तो यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। जैसे जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और चलते हुए जाते हैं और बाई चांस आपके पैर के नीचे एक छिकला आ जाता है, केले का छिकला आ जाता है, आप धड़ाम से ऐसे गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है?
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पैरों और अर्थ के बीच में जो रिएक्शन काम कर रही थी वो रिएक्शन कम हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में फ्रिक्शन किधर काम करता है, उसकी डायरेक्शन क्या है और ये कैसा फोर्स है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी वाला फोर्स है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, तो हमें इसमें और क्या समझना है ये भी समझ लीजिए आप। हमें इसमें और ये समझना है कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है। दो चीजें हैं, एक होती है डायरेक्शन फ्रिक्शन की किधर है और इसकी वैल्यू कितनी है। दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली, हमें इसका पता होना चाहिए क्या, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो ये वेक्टर बनेगी, हमने कहा ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें फाइंड करते हैं। बहुत सारी जगह, ठीक है ना, हमारे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि वो वाला ब्लॉक, अस्पताल वाला ब्लॉक, ऐसा नहीं है। ब्लॉक का मतलब एक लकड़ी का गुटका, ठीक है, वुड ब्लॉक है। उस वुड ब्लॉक को हमने इसके ऊपर रखा या सरफेस के ऊपर रखा। सरफेस के ऊपर रखने के बाद में हमने उस पर लगाया एक फोर्स, ठीक है। अब उसके वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है एक लकड़ी का गुटका, ठीक है, लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका, हाय हाय हाय, ये हो गया एक ब्लॉक, ठीक है। इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया हमने, इसका मास कुछ भी है, मान लीजिए इसका मास है एम, ठीक है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा लगाएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़े से समझ आ जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाए, तब फ्रिक्शन किधर काम करने वाला है, पहली कंडीशन। दूसरा, ये गुटका कहाँ जाने वाला है, ठीक है, ये गुटका किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा। कहेंगे क्या मास्टर साहब, नीचे कैसे चला जाएगा, तो ऊपर भी नहीं जाएगा, जाएगा तो इधर ना। जिधर फोर्स लगाने के बाद में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उस डायरेक्शन में, या जो ब्लॉक है जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम कहते हैं इंटेंशन ऑफ मोशन। इंटेंशन ऑफ मोशन, इस वर्ड को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो इधर जाने के लिए क्या है, इसका नाम क्या पड़ गया, इंटेंशन ऑफ ऑफ मोशन, ठीक है ना। इस ब्लॉक का इंटेंशन किधर है जाने का, अब ये इधर जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इंटेंशन ऑफ मोशन होता है, उसी की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, ये बस आप याद रखिए। तो डिफिनेशन क्या बनेगी, हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में हम ये देखते हैं कि उसका इंटेंशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में है, उसी की अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। या सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, अप्लाइड फोर्स इज अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, या ऐसे सिंपल, और अगर सिंपल करना चाहें तो इधर हमने फोर्स अप्लाई किया है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन काम करने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करने वाला, दैट्स इट, काम खत्म, खलास, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक फ्रिक्शन की बेसिक एग्जांपल। अब इसकी डायरेक्शन बनाते हैं, रेड ले लेते हैं ना, रेड। तो यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस जगह के लिए, ये जो मैं बना रहा हूं रेड वाली, ये सभी कांटेक्ट में है कि नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट इस दूसरी सतह के साथ में, सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है। ये फ्रिक्शनल कैसा फोर्स होता है, तो ये एक बेसिक कांटेक्ट वाला फोर्स होता है, कांटेक्ट कर लेता है, जैसे कहते हैं ना मेरे बहुत कांटेक्ट है, तो वैसे ही इसके बहुत कांटेक्ट है, जहां जहां पर कांटेक्ट होगा वहां वहां पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। बेसिक जीवन को, है ना, हमारे जीवन को फिजिक्स से जोड़ना ही फिजिक्स को इजी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये कांटेक्ट होगा वहाँ वहाँ पर एक फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा, ठीक है। हमने मान लिया कि ये सारे के सारे छोटे छोटे वाले जो चुन्नू चुन्नू बनाए हैं, चुन्नू चुन्नू बनाने वाले जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, इन सब की डायरेक्शन देखो, पहले इधर जाना चाह रहा है, ठीक है, इसकी चाहत किधर है, उधर है, ठीक है। और चाहत से रोकने के लिए कौन दर्द बनता है, घर वाले, तो घर वाले जो दर्द बनेंगे वो इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये अपोजिट है इंटेंशन ऑफ मोशन के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन।
इसका नाम ही हम रखेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? अब दो कंडीशन बन गई, जिधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आप कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगा। उसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों सरफेस, दो सरफेस होनी चाहिए उनके लिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो और दोनों एक दूसरे पे स्लिप होनी चाहिए, ये नहीं कि रख दिया तो फ्रिक्शन लगेगा, रखी हुई सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब एक दूसरी, दोनों एक दूसरे पर स्लिप होना चाहेंगी, मीन्स इंटेंशन ऑफ मोशन करना चाहेंगी, तभी ये फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा, अन्यथा फ्रिक्शन का फोर्स काम नहीं करेगा। ओके, क्लियर, ठीक है ना। और कांटेक्ट में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है। एक और कंडीशन बना लो यहाँ पर, ये कैसे काम कर रहा है, देखो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है अप्लाइड फोर्स के, और परपेंडिकुलर काम कर रहा है या हॉरिजेंटल काम कर रहा है, ये भी समझ लो। फोर्स के हॉरिजेंटल काम करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा फ्रिक्शन। क्लियर है इतना, ठीक है। या इन शॉर्ट इसे एक और छोटी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें तो बोल सकते हैं टेंजियल, ठीक है, टेंजियल कह सकते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्शीय, है ना, स्पर्शीय, जेंशियल, टेंजेंशियल, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक सा हो जाएगा, क्लियर। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, इस वाले को हम साफ कर दे रहे हैं और इस चिंटू को भी साफ, अच्छा पूरे साफ कर दे रहे हैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से कई क्वेश्चन आते हैं। इतना हो गया, हाँ ओके। अब ये हमारा हो गया इंटेंशन ऑफ मोशन। अब इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पहला ये हो गया, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए, समझ में आएंगे थोड़े से, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग चाय के लिए आ सकते हैं मेरे पास, हम लोग चाय पीते हैं। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल, जैसे पंखे का चलना, हमारा चलना, बस का चलना, गाड़ी का चलना, ठीक है, बोर्ड से इस पर लिखना, आपकी कॉपी पर ये लिखना, मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम कैसे क्लासिफिकेशन करें, तो फ्रिक्शन, हाँ यहाँ लिखता हूँ फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन के दो पार्ट, पहला पार्ट कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और पार्ट कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दो पार्ट्स। तो पहला पार्ट हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ लिखता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक में आ जाएगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा और चलने के लिए तत्पर होगा, ठीक है, चलना चाह रहा होगा, उसकी टेंशन होगी क्या, मैं चलना चाह रहा हूँ, ये चल रहा होगा, उसने कहा मैं रुकना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, काइनेटिक, इसके लिए स्टैटिक, दोनों चीज़ याद रखिए। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के दो भाग हैं, पहले इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना, ये क्यों हम काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों पढ़ रहे हैं ये समझिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, ठीक है, मोशन में हो, लगातार कॉन्टिन्यूसली वो मोशन में अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और उसको रुकना है, ठीक है, या हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया और रुकना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। आपने देखा होगा जब अपनी बाइक को स्टार्ट करते होंगे, फुल एक्सीलरेशन ले लिया, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बाइक स्लो हो जाती है, ठीक है। उस बाइक स्लो होने को बचाने के लिए, मतलब जो बाइक की स्पीड आप 40 करके चल रहे थे, थोड़ी देर बाद वो 39 हो जाती है, 38, 35, 36, 40 से कम हो जाती है। तो 40 से कम होने के लिए
तो कम होने के लिए, इसे बचाने के लिए हम उसका एक्सीलरेटर तेज कर देते हैं, है ना। तो वो वाली कंडीशन फ्रिक्शन है। मतलब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में वो फ्रिक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, ठीक है। चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट होता है वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप में हो, स्टॉपिंग मतलब रेस्ट में कंडीशन में हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो और उसे चलने की चाहत हो, मूविंग की चाहत हो, ठीक है, उसका इंटेंशन ऑफ मोशन करने की चाहत हो, तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो उस चलने में सहायता प्रदान करता है। कितने ले बच्चे जाए धीरे अपनी जिंदगी, है ना। ये भी दो टाइप के होते हैं। तो इसमें एक होता है ऑटो एडजस्टिंग, एक होता है ऑटो एडजस्टिंग, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है। एक होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप कौन से हैं, तो इसके भी दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप, पहला टाइप कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो दूसरा टाइप कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग, अब वो वाला रोल मत समझना, खाने वाला रोल, ठीक है ना, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेसिक सा क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग करते हैं बक्से में, ये वाले करते हैं बक्से में, ये हो गया हमारा बक्सा, ठीक है ना, और ये भी हो गया बक्सा। सारे बक्से में बंद कर दो, लाइट कर दो बंद, है ना, करना एक लाइट कर दो बंद, ये हो गया। अब ये देखो दो पार्ट्स में गया, एक ये वाला पार्ट्स आ गया, एक ये वाला पार्ट आ गया, एक इसका दो पार्ट्स में हो गया, एक ये वाला पार्ट आ गया, एक ये वाला पार्ट आ गया। अब इसके दो भाई हो गए, एक ये भाई हो गया और एक ये भाई हो गया और इसका ये भाई हो गया। अब इस वाले भाई को बहुत प्यार ने बनाते ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, यहाँ से करें कि यहाँ से करें, यहाँ से करें कि यहाँ से करें। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इनों से, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा तभी मजा आएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जैसा कि इसका नाम है ऑटो एडजस्ट, अब वो वाला ऑटो नहीं, वो वाला ऑटो एडजस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वो नहीं। ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन का मतलब, सबसे पहला क्वेश्चन यही। तो ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन ऐसे फ्रिक्शंस होते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के साथ में दूसरा जो प्लेन सरफेस, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ, प्लेन सरफेस होता है, उस प्लेन सरफेस पर वो इंटेंशन ऑफ मोशन करने लगते हैं या करना चाह रहे होते हैं, उस मोशन को, ठीक है, रोकने के लिए या अपोजिट में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। आपके पास में एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है आपके पास में, ठीक है। इस ब्लॉक पर एक मास रखा हुआ है जिसका वेट कुछ भी है, सर्टेन है, मान लो 2, 3, 5, 10 कितना भी ले सकते हो। हमने ले लिया कि 10 kg का वेट है इस पर, ठीक है, 10 kg। हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया 10 N का, ठीक है, 10 kg का वेट है, 10 N का हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, 10 N का। और अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, फोर्स हमने अप्लाई कर दिया पर ये चल नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया पर ये ऑब्जेक्ट यहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि यार ये फोर्स चला कहाँ गया। सोचो घर पर आपके बगल में, साइड में, इधर उधर बहुत सारी दीवारें हैं, आप दीवार पर जब फोर्स लगाते हो तो फोर्स एक्चुअल में कहाँ चला जाता है, इस बारे में थोड़ा सा सोचिए आप, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया 0.1 N का, नहीं चला, ठीक है। ये चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इधर से
इधर से एक अपोजिट डायरेक्शन में 0.1 न्यूटन का फोर्स लग गया है। ठीक है, हमने इस फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया हमने इसको, बढ़ाया 0.2 नहीं चला, 0.3 नहीं चला, 0.4 नहीं चला। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इधर से अपोजिटिव फोर्स लग रहा है। 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 0.8 ऐसे बढ़ाते गए। ठीक है, बढ़ाने के साथ में हम ये देख रहे हैं, ये 10 kg ये भी है और ये भी एक सतह है, और यहाँ पर हमने फोर्स को कर दिया 25 न्यूटन, ये नहीं चला। फिर इसको बढ़ा दिया हमने 50 न्यूटन, 10 kg है ना, ये भी नहीं चला। फिर हमने इसको बढ़ा दिया भाई, हमने कहा चल जाए यार, क्या मतलब है, ये नहीं चला अभी भी, ये कितनी कम है, ये हमने 80 न्यूटन कर दिया। और फाइनली हमने कर दिया इसको 110, ठीक है, न्यूटन इधर की तरफ, 110 न्यूटन की तरफ, और ये है 10 kg। अब हम देख रहे हैं कि ये बढ़ गया थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा चुन्नू सा बढ़ गया, इन्नू सा बढ़ गया, मतलब मान लो इन्नू सा बढ़ गया, ठीक है, इन्नू सा आ गया। अब हम यहाँ पर एक प्लान ये बना रहे हैं कि भैया इतना फोर्स लगाने पर ये नहीं चल रहा था, इतना लगाने पे भी नहीं चल रहा था, हम बढ़ा रहे थे वैल्यू, इतना लगाने पे भी नहीं बढ़ रहा था, इतने पर भी, इतने पर कहीं पे नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, अब सोचो अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इंटेंशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, इधर की तरफ काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करने की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स FR। ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इधर की तरफ, इंटेंशन ऑफ मोशन सभी में इधर ही की तरफ है ना, इधर की तरफ है। अब अभी ये चला नहीं तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, अभी हमने ये सोचा है सिर्फ, फिर हमने इसको 25 कर दिया, मींस 10 से 25 कर दिया, तब भी देख रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में ही है, चल नहीं रही है अभी। ठीक है, तो हमने फिर सोचा कि भैया हो सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इतना लगा होगा। ठीक है, कितना, 25 न्यूटन का लग रहा होगा। ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ काम करेगा, ये समझते रहिए। फिर भी हमने इसको बढ़ाया 50 न्यूटन कर दिया, 50 न्यूटन करने के बाद में फिर देख रहे हैं ये जो ये बॉडी है रेस्ट में है, चल नहीं रही, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हमने ले लिया, मान लिया कि 50 न्यूटन हो सकता है, हो सकता है, ओके होगा। फिर हमने देखा कि ये हमने फोर्स बढ़ा करके 80 न्यूटन कर दिया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया, 80 हो गया। फिर हमने देखा जब हमने इसका फाइनली जो फ्रिक्शनल फोर्स था, ठीक है, इसका 100 कर दिया, तब भी ये चल नहीं रहा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इधर की तरफ कितना, 100 न्यूटन। पर जैसे ही हमने इस वैल्यू को बढ़ा करके कितना कर दिया, 100, ठीक है, 100 था, हमने कर दिया 101। ठीक है, 101 करने पर, समझते रहिए, 101 करने पर ये थोड़ा सा खिसक जाती है। ठीक है, फिर हमने चेक किया, 100 लगाया पर वो नहीं चली, 101 लगाया चली, 2 बढ़ाया फिर चल गई, 3 बढ़ गई। इससे हमें समझ में आया कि इसकी एक लिमिट थी कितनी, 100। ठीक है, तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा जब तक हम इस पर कितना फोर्स लगा दें, 100। ठीक है, अब इसी कंडीशन को फिर से समझिए, कंडीशन नंबर 2। हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया 10 न्यूटन, इधर से लगा 10 न्यूटन। ठीक है, हमने 25 कर दिया, इधर लग गया 25 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना। तो हम ये सोच सकते हैं कि भैया हो सकता है इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, इधर से कम फोर्स लगा रहे हो। तो हमने क्या किया, ये वाला फोर्स लगा के इधर से कर दिया, ये वाला फोर्स जो इधर लगा था 10 kg पर, हमने इस फोर्स को इधर से लगा लिया, F इज इक्वल 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन लगाया इधर से। अब हम देख रहे हैं कि अभी भी ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, तो इसमें इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इस बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए चल नहीं रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो हम पहले लिख देते हैं ना, इंटेंशन ऑफ मोशन। तो मोशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ है, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो ये किधर काम करेगा, इस तरफ काम करेगा, कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना,
फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, ठीक है। अगर 10 न्यूटन लगाने के बाद में नहीं चल रही है, तो हमने इधर से भी लगाया तब भी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ले 10 केजी और इधर से हमने लगा दिया इस पर 100 न्यूटन, ठीक है। इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। अब फ्रिक्शनल किधर काम करेगा? इधर की तरफ, ठीक है। किधर कितना काम करेगा? 100। पर अभी भी ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। फिर समझिए, एक हमने और फिगर ले लिया। फिगर क्या? हमने इस पे लगा दिया 101 न्यूटन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स लगा दिया, ठीक है। 101 न्यूटन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट चलने लगा इधर, ठीक है, चलने लगा। फ्रिक्शनल किधर, फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स होगा। बट इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन की ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट मतलब इधर ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम इस फोर्स को इधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, तो फ्रिक्शनल इधर से काम करेगा। क्लियर है इतना? मतलब ये फिर समझ लो एक बार, वन टाइम, लास्ट टाइम। अगर हम फोर्स को इधर से लगाएंगे तो इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होगा, इधर फोर्स होगा, पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। हमने फोर्स इधर से अप्लाइड किया तो इंटेंशन ऑफ मोशन इधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगा। क्लियर इतना? तो यहाँ पर यही है। तो ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट पर या कोई ब्लॉक पर जो कॉन्टैक्ट में है, अगर हम एक ब्लॉक पर फोर्स लगा अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ऐसी टाइम तक फोर्स को वो ज़ीरो करता रहेगा जब तक वो मोशन में ना आ जाए, ठीक है। एक ऐसी लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही वो चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, मोशन स्टार्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन को, इस वाली, यहाँ से पहले वाली कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्लियर इतना? तो ये हमारा हो गया ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब इसको साफ करते हैं ना, और इसको भी, जितना करते जाएंगे उसको साफ करते जाएंगे। क्लियर हो गया? बताओ कोई दिक्कत है? कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, है ना, कोई किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है, उसकी दिक्कत का समाधान किया जाएगा, क्योंकि दिक्कत का समाधान बहुत ज़रूरी। तो ये हो गया आपका ऑटो चालक वाला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको भी साफ करें इधर है, और इसको भी साफ करें इधर है, इधर ले देंगे, है ना, पूरा इतना स्पेस हो जाएगा हम लोगों को। तो ये हो गया, क्या था ये, इसका एक पार्ट कौन सा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे, एक कौन सा पढ़ चुके हैं इसके दो भाग से। पहला वाला पार्ट कौन सा था? ऑटो एडजस्टिंग। अब कौन सा बचा है? अब बचा है इसका दूसरा पार्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वही कंडीशंस हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जब ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है। जैसे ही हम उससे ज़्यादा वैल्यू का फोर्स अप्लाई करते हैं, वैसे ही बॉडी मूव करने लगती है, उस कंडीशन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, मीन्स LF, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब एक छोटी सी कंडीशन समझिए, समझना क्या है इसमें, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। इसकी इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, टेंजेंशियल काम करेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू है FR, ठीक है। इसका मास है M, अब इधर काम करेगा। हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ, 20 लगाया, 30 लगाया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कर दिया, 80, 90, 100 पूरा कर दिया, फिर चोर निकल के भागा, हो गया, इसको पकड़ के लाओ, ये करो वो करो, हो गया। जैसे ही हमने 101 मतलब 101 मतलब एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई बढ़ा दिया, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट खिसक गया थोड़ा सा। वैसे ही जैसे ये ऑब्जेक्ट खिसका, यहाँ तक मान लो आ गया, ठीक है, तो ये जो 100 न्यूटन लग रहा था फोर्स, ठीक है,
ये ऑटो एडजस्टिंग था। जैसे ही इसकी लिमिट ख़त्म हुई 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन के बाद वाले जितना भी फोर्स होगा वो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा देगा, मीन्स खिसका देगा या मोशन में ला देगा या मूव कर देगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक दूसरी कंडीशन को ऐसे मान सकते हैं कि वो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, स्लाइडिंग क्या होता है कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि हीरो जो है अमरीश पुरी को खिसलाते हुए ले जा रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि उसका पिछवाड़ा कितना चलता होगा, है ना। सॉरी। ठीक है, 100 न्यूटन का काम कर रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अपने, कैसे भी ऑब्जेक्ट कोई अपनी लिमिट, ऑटो एडजस्टिंग वाली लिमिट को क्रॉस करके ऊपर का फोर्स को सहन करता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें आ जाइए, रिएक्शन कैसे काम करती है ये, फिर अच्छा स्लाइडिंग और रोलिंग पे भी आ जाओ। ठीक, दोनों के साथ कर लेते हैं ना, फिर आगे समझेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हुआ है, क्या आप इसका कुछ बेसिक एग्जांपल समझ सकते हैं? तो बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हमारी लाइफ में ना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमारी लाइफ में ना हो, तो हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। पहली बात ये, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी को इनक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन किसी बढ़ी हुई वेलोसिटी को डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हमारी बाइक रेस्ट में है, हमने अपना बाइक का एग्जांपल ली, कार का एग्जांपल लेते हैं, हमने अपनी कार ली। ठीक है, हाँ बाइक लेते हैं ना, बाइक ली, बाइक के एग्जांपल में आप ये समझिए, हमने बाइक ली, बाइक रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, जैसे ही हमने एक्सीलरेटर लिया और उसे बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाली सरफेस पर जितने भी स्टैटिक फ्रिक्शन के पॉइंट होंगे वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। समझिए इस बात को, पकड़ लेंगे, जैसे ही पकड़ लेंगे वैसे ही आगे का पार्ट आगे आ जाएगा। वो हम लोग यहाँ समझेंगे अभी स्लाइडिंग और रोलिंग वाले में। ठीक है, रोलिंग का जो एक भाग है इसमें काम आता है, पर वो इतने इधर उधर है कि हमें क्लियरली समझ में नहीं आते। ठीक है ना, पहले हम स्लाइडिंग पढ़ते हैं, रोलिंग पढ़ते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ जबर, है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रिक्शन जिसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सभी एक ही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट के पापा हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमने देखा कि ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ठीक है, और इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है जी। ठीक है, हमने इन पर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। जैसे हमने फोर्स इस पर अप्लाई किया, सॉरी एफ नहीं, यहाँ पे एम कर लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। एफ हमने फोर्स अप्लाई किया तो हम देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद में ये सारे पॉइंट यहीं पर हैं, मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही काम कर रहा है। यहाँ पर एम है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, सारे पॉइंट ऐसे ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आप रेलगाड़ी देखते हैं ना, रेलगाड़ी के पहिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, पहिए में तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, तो सारे के सारे यहाँ पर ऐसे हैं। आप ये कह सकते हैं सर रेलगाड़ी वाले में तो फिर ऐसा होता है, तो रेलगाड़ी में नीचे पहिए लगे थे वहाँ पर रोलिंग होगा, मैं समझा रहा हूँ उसको, बट यहाँ पर एक ब्लॉक की बात हो रही है, एक ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, हम उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो ब्लॉक के नीचे की लेयर ही खींचती हुई आ रही है। ठीक है, तो ऐसी चारों कंडीशन में ऐसा ही हो जाएगा ये सारे के सारे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, अब आ जाइए रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, आपके पास में ये देखो एक पहिया ले लिया हमने, रेलगाड़ी का पहिया है, आप समझ लीजिए इसी तरह से। ठीक है, एक पहिया, ये सारे पहिए ऐसे चल रहे हैं और यहाँ पर इसका एक्सल है ऐसे करके ये, और हमने इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। अब इसके चार पॉइंट मान लो, चार पाँच जो भी मानना चाहो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये बी सी एंड डी, ए 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 ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी। अब देखो ये इधर जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में। क्लियर समझते रहो,
इस डायरेक्शन में इंटेंशन ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर की तरफ एफ आर, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। तो ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद आना चाहिए बी, और ए वाला जाएगा यहाँ पे, और ए वाला यहाँ पहुँच गया, बी सी यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, ए बी सी डी, अच्छा डी यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने ना, ए बी सी डी, क्लियर है। फिर देखो अभी भी इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इधर डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में एफ आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा आपका क्या, यहाँ पहुँचेगा सी, यहाँ पहुँचेगा बी, यहाँ पहुँचेगा ए, यहाँ पहुँचेगा डी, ठीक है। फिर इस कंडीशन पे आ जाओ, यहाँ पर इस चार पॉइंट अभी रहेगा ना आपके, फिर क्या होगा, इस वाले पर पहुँचेगा ए, यहाँ पर पहुँचेगा आपका, गलत हो गया क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हाँ देखो गलत हो गया ना, नहीं सही तो है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखो फिगर रेडी हो चुका है, समझिए, पहली पॉइंट पर ए यहाँ पर था, स्लाइडिंग नहीं रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ होगा तब यहाँ वाला जो पॉइंट होगा सरफेस का, ठीक है, यहाँ वाला जो पॉइंट होगा सरफेस का, ये वाला पॉइंट ऐसे समझो, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, पहिया रखा हुआ है, जैसे ही ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा ये इसको लॉक कर लेगा, ठीक है, लॉक कर लेगा, ये हमने यहाँ पर इसको ए और ए को लॉक कर दिया। अब जैसे ही इंटेंशन ऑफ मोशन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अब ये वाला क्या कहेगा, हम स्लाइड नहीं होने देंगे, स्लाइड होता तो ये वाला ए यहीं पे रहता, ठीक है, ए वाला ए यहाँ पर ए रहता, पर ये स्लाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसमें एक अटेंशन इंटेंशन ऑफ मोशन जो है ऊपर की तरफ भी काम करेगा, जिससे ये ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ ये उठ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे मोशन कर सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कर सकता है, ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ऐसे ऐसे फंस गया, अब इसे नीचे जाएगा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा ना, छोड़ना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, छोड़ना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, तो मतलब ये है जैसे ही थोड़ा सा आगे घूमेगा तो ये वाला पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया देखो, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और दोनों की लॉक खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ने देंगे पर ऊपर हट जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देंगे ऊपर हट जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देंगे ऊपर हट जाएगा। तो ये कंडीशन जब आएगी जिसमें दोनों पॉइंट लॉक हो जाते हैं, वो कंडीशन आती है रोलिंग। रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंडीशन ये है कि आपके पास में दोनों पॉइंट लॉक हो जाने चाहिए, तभी ये रोलिंग बनेगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रोलिंग के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब आप ये सोचिए कि एक बाइक है हमारे पास, है बाइक भैया, ये हो गई बाइक, या रेलगाड़ी थी हमारे पास, रेलगाड़ी का ये वाला पार्ट था, ये वाला इसका एक्सल है, अगर यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, अगर यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो तो ये वाला ए यहाँ पर ए आ जाएगा, क्लियर है। क्या ए वाला थोड़ी देर के बाद में ये कुछ ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, हौच पौच हो गया ना, ये देखो सारे के सारे पॉइंट ए बनेंगे, सिर्फ सारे के सारे पॉइंट ए बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोलिंग आपको चाहिए तो आपके पास में लॉक एंड लॉक पोजीशन होनी चाहिए, वो लॉक एंड लॉक पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पर क्या होता है, जिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन दो पॉइंट्स को लॉक कर देता है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे लॉक करने की कोशिश करता है, मीन्स स्टॉप करने की कोशिश करता है, क्लियर हो रहा है कुछ। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते, क्लियर, कैसे समझिए, अब अपने पैर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपका सुंदर पैर है, ठीक है, ऐसे तो होता है ये, ठीक है, ये कौन सा पैर है, जब आप आगे चलते हैं तो राइट और लेफ्ट पैर का कॉम्बिनेशन चलता है ना, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, फिर आप चल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ये क्लियर है, फिर ये कंडीशन क्लियर है। हाँ अब समझो, यहाँ पर आपका पैर है, ठीक है, इस वाली कंडीशन पे, यहाँ पर जब आपने पैर अपना रखा, अगर ये वाला पैर का पॉइंट ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, अगर तीनों पॉइंट स्लाइड करेंगे, समझते रहना, स्लाइड करेंगे तो ये वाले पॉइंट को
इस वाले ए को यहाँ पर होना चाहिए, इस वाले बी को यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले सी को यहाँ पे होना चाहिए। तो पैर आप ऐसे ही लेके जाओगे, ठीक है, पर आप करते क्या हो, आप पैर उठा तो चल देते हो, स्लाइड करना मुश्किल है ना। तो स्लाइड करने के लिए जब आप स्लाइड करेंगे ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पर मुश्किल आपको मिलेगी, मुश्किल मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। जब मुश्किल होगा तो कठिन होगा, मीन्स हार्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो इस सरफेस ने इस वाले पॉइंट को लॉक किया। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, इस पैर को उठा लेते हैं, अगर उठा लेंगे तब हमारा फोर्स कम लगेगा, तब फोर्स कम लगेगा तो हमने इस वाले पॉइंट को उठा लिया। उठाने के बाद में यहाँ फ्री स्पेस हो गया, फ्री स्पेस के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि जब फ्री स्पेस हो जाएगा तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, उठा के हमने आगे रख दिया, फिर आगे रख दिया। जैसे ही हमने आगे की तरफ पैर को बढ़ाया, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा पैर स्लिप होना चाह रहा है, ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन काम किधर करेगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम अपने पैर को आगे अपनी ज़मीन पर रख रहे हैं तो इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होता है, पैर के जाने का, पैर के जाने का, याद रखिए। आप हमेशा चल के ट्राई करिएगा, जब आप चलेंगे तो इंटेंशन ऑफ मोशन पीछे की तरफ होगा, ठीक है। फिर और फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। इंटेंशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लियर इतना। अब रोलिंग और सब हो गया आपका, हम लोग आगे चलते हैं थोड़े से बेसिक से एग्जांपल्स पे और फिर इनके सबके डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। ये तो इनकी डेफिनेशंस हो गई बढ़िया बढ़िया। अब इसके जो क्या कहते हैं, इसके डेरिवेशंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं और किन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सब देख ले रहे हैं वन बाई वन। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत हो समझ में ना आई हो तो आपको उसका निस्तारण मिल जाएगा, निस्तारण। ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और पूरा का पूरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, इसमें टिप टिप बरसा पानी इंक्लूड कर देना, क्यों टिप टिप बरसा पानी इंक्लूड कर दे, क्या कहते हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आते हैं, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर, जो है आपके फ्रिक्शन के बारे में और जो है आपकी ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन के बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, उसके डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, ये सभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक बेसिक सा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है और एक दूसरी सरफेस है, ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। इसका मास है m और हाँ इस पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है F, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन कितनी है, रिएक्शन सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसके नीचे की तरफ काम करेगा mg और इसी के अपोजिट में जाएगा ऊपर रिएक्शन, ठीक है ना। ये हो गई पहली रिएक्शन, एक हो जाएगी आपकी दूसरी रिएक्शन कुछ ऐसी, ये ठीक है, ये एम ऑब्जेक्ट हो गया, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, थीटा ये हो जाएगा, ये इधर नीचे की तरफ एम जी काम करेगा और इधर की तरफ काम करेगा एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में काम करेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें, ये हो गया एक, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज के लिए काम करेंगे, अभी इसके लिए भी दिख रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑटो एडजस्टिंग ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, थीटा एंगल पे था ये। अब हमने यहाँ पर एक अप्लाई फोर्स किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को समझ ही गए आप, है ना, ये समझो एक बार फिर से, ये हमारे पास एक क्या है, बॉक्स है, इस बॉक्स पर हमने फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर इसका मास है नीचे तरफ काम करेगा mg, इस 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हमने इतना रिप्रेजेंट किया है, मींस यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड इसका रिप्रेजेंट है इतना, ठीक है, इतना।
तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना ही काम करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स इतना ही काम करेगा एफ आर इस डायरेक्शन में, और इसकी जो नॉर्मल प्रतिक्रिया है आर इज इक्वल दिस हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कितना है एफ आर इस डायरेक्शन में, फ्रिक्स जो इसका फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स इतना ठीक है। रिएक्शन कितनी काम कर रही है, रिएक्शन इतनी काम कर रही है। रिजल्टेंट कितना है इसका, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन की टाइप में इधर लाइन खींच देंगे ये वाली, ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि इससे हमें मिलाना है, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, यहाँ से मिल गया इसका ये थीटा। तो अगर ये एफ आर है तो ये भी एफ आर हो जाएगा, इस आर को नॉर्मल भी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हमारा कितना हो जाएगा बताइए, तो टैन थीटा हो जाएगा हमारा एफ आर बाई एन, ठीक है एफ आर बाई एन टैन थीटा हो जाएगा। ओके दूसरी बात पे आ जाइए, आर किसके बराबर है या एन किसके बराबर है, एन बराबर है एम जी के, एन किसके बराबर है एम जी के बराबर है, और एफ आर किसके बराबर है, एफ आर किसके बराबर, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगा के इसको समझेंगे कि एफ आर बाई एम जी ये हो गया हमारा टैन थीटा। अब हमको यहाँ से निकालना है इसका रिजल्टेंट, हमने इसका नाम दे दिया F, टोटल F ठीक है, F कह दी तो यहाँ ठीक है F रिजल्टेंट, F इसका क्या नाम रखें हम लोग, चलो इसका नाम रख देते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आर टी रख देते हैं। तो आर टी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना आर टी, आर टी आपका हो जाएगा रूट में एफ आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअल में, अब आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए, जो यहाँ पर ये एंगल हम दे रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, इतना हमने इस पर थोड़ा सा मतलब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में इतना बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए, थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ही थीटा की वैल्यू कम होगी, जैसे ही थीटा की वैल्यू कम होगी, वैसे ही फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, थीटा की वैल्यू के साथ में फ्रिक्शन कम हो रहा है, थीटा की वैल्यू के साथ में फ्रिक्शन कम हो रहा है, ये वर्ड याद रखिए, थीटा की वैल्यू के साथ में फ्रिक्शन कम हो रहा है, थीटा की वैल्यू के साथ में फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो मतलब ये है, अब इसको समझिए एक बार फिर से, अगर इस फोर्स को हम इस डायरेक्शन में ना लगा करके ऊपर की डायरेक्शन से लगा दें तो क्या फ्रिक्शन काम करेगा, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने इधर फोर्स लगाया F, तो क्या यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि एफ आर ही नहीं मिल रहा है हमको, एफ आर नहीं मिल रहा, मीन्स अप्लाइड फोर्स अगर नहीं होगा तो फ्रिक्शन बनेगा ही नहीं बनेगा, अगर फ्रिक्शन बन ही नहीं रहा तो फोर्स लगेगा ही नहीं लगेगा, काम खत्म हो गया फिर तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया था तो अपोजिट डायरेक्शन में एफ आर बन रहा था, ठीक है, एफ आर किसके लिए बन रहा था, एफ आर कौन बना रहा था, तो एफ आर बना रहा था ये आर, किसके बराबर बना रहा था, तो एफ आर प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक, एफ आर प्रोपोर्शनल टू आर, कैसे, अगर ये वाला मास आर बराबर क्या है बताओ, आर के बराबर, बराबर करो तो आर बराबर हो गया एम जी, आर बराबर एम जी हो गया ना, आर बराबर एम जी हो गया, जब आर बराबर एम जी हो गया तो एफ आर प्रोपोर्शनल टू हो गया एम जी, अगर एम की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो एफ आर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां से बनेगा क्या, एफ आर बाई, एफ आर बाई आर मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, इसको स्मॉल कर लेते हैं ना, इसको स्मॉल कर लो, इसको स्मॉल कर लो, एफ आर, एफ आर, एफ आर बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कह लेते हो म्यू ले लेते हैं, बस ये कॉन्स्टेंट जो आएगा, ये कॉन्स्टेंट जो आएगा वही कॉन्स्टेंट क्या होगा, वही कॉन्स्टेंट आपका ये वाला कॉन्स्टेंट आ रहा है, एफ आर इज इक्वल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो एफ आर कितना है हमारा, एफ आर कितना है म्यू एन बाई एन, एन से एन कैंसिल, तो टैन थीटा कितना आ गया हमारा, टैन थीटा हमारा आ गया म्यू, ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत है, कहने का मतलब ये है, आप फिर से समझिए एक बार, अभी समझ में आ जाएगा, हमने एक दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट ये है ठीक है, इसका वेट है 10 kg, और एक ऑब्जेक्ट लिया है इतना ही बड़ा 1000 kg, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया
120 न्यूटन का, ठीक है। 120 न्यूटन के बाद में हमने इस पे देखा कि ये 20 न्यूटन के साथ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बट इस पे ही हमने इतना ही वेट लगाया, इतना ही फोर्स लगाया, पर हम देख रहे हैं दोनों की सरफेस सेम है, दोनों की सरफेस सेम है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पे इतना फोर्स लगाने के बाद में ये मूव नहीं हो रही है, रेस्ट में ही, रेस्ट में ही है। तो इससे हम क्या समझते हैं, अगर मास ज़्यादा होगा तो रेस्ट मतलब मास ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसका रिएक्शन कितना है, देखो इसका रिएक्शन आएगा कितना, आर इज इक्वल एम जी, एम जी कितना 100 वन इंटू 10 100, ठीक है न्यूटन। और इसका एम जी कितना, आर कितना, इतना 10^4 न्यूटन। आर ज़्यादा हो गया ना, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। एफ आर कितना, एफ आर इज इक्वल म्यू इंटू आर, अब म्यू इंटू दिस, इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे निकालो एफ आर, एफ आर इज इक्वल म्यू इंटू दिस, ठीक है ना। यहाँ पर इस सरफेस सरफेस के बीच में जब हम म्यू निकालेंगे, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ आर बाई 10^4, यहाँ पे निकालेंगे एफ आर बाई 10^2 इज इक्वल म्यू। अब देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है इसकी वैल्यू बड़ी है ना, तो इसकी वैल्यू कम होगी। अब ये छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। मतलब क्या है इसका, अगर वेट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर देंगे तो जो रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, तो रिएक्शन स्क्रीन जब सॉरी जब रिएक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ भैया? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे थोड़ा सा और समझ लो। अब ये हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो टैन थीटा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये होता है। या फिर एक और फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल कितना निकाला अभी हमने, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला ये लिख लो, म्यू इज इक्वल टैन थीटा इज इक्वल एफ आर बाई आर। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन रेस्ट वाली पोजीशन की होती तो यहाँ पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ म्यू एस कर देते, और अगर ये काइनेटिक मीन्स डायनेमिक होती तो हम यहाँ पर के कर देते। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इस वाली कंडीशन पे आ जाओ, इस वाली कंडीशन पे, कंडीशन ये वाली क्या कहेगी कि अगर हम दो सरफेस को एक के ऊपर एक रख रहे हैं, हमने दो सरफेस ऐसे रख दी, ठीक है, ऐसे रख दिया हमने इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाली सरफेस को ऐसे उठाते जा रहे हैं ऐसे करके, और ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ऐसे उठा रहे हैं ऐसे उठा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं कि ये सरफेस इस पे से गिर जाएगी, ये वाला मार्कर इस पे गिर जाएगा। जब इसे गिरेगा तो इसमें इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन किधर होगी बताइए, इसको साफ कर देते हैं ना। इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, यही चीज समझने वाली है बस, और कुछ नहीं। यहां पर ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर समझो थोड़ा सा, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, इंटेंशन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, ये एम जी नीचे की तरफ पर, ये थीटा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा, इधर जा रहा है एम जी साइन थीटा, ठीक है, थीटा एंगल्स हैं। अब इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा एफ आर, स्मॉल करता हूँ ना इसको, इधर ही काम करेगा एफ आर, ठीक है, एफ आर काम करेगा। अब कितना काम करेगा, तो एफ आर के बराबर कितना हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, चल नहीं रही, तभी ये बराबर हुआ है। अगर चलने लगेगी नीचे की तरफ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन काम करेगी इधर की तरफ, कितनी काम करेगी, आर, आर कितना हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। अभी हमने क्या पढ़ा है कि एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर म्यू इंटू आर होता है। तो म्यू हो गया, आर की वैल्यू कितनी, इतनी है, कितनी है म्यू इंटू आर, एम जी कॉस थीटा है, बताइए कोई दिक्कत है इतने में। ओहो ये क्या मैंने कर दिया, एफ आर करना है यहाँ पे, एफ आर
आर के बराबर कितना है दिस, ये कंडीशन इतनी आ गई। तो दो कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रुका हुआ है, ये नीचे चलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, टैन थीटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इक्वेशन वन हो गई है, इक्वेशन टू हो गई। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। एफ आर बाई आर इज इक्वल क्या आ रहा है, देखो साइन और कॉस, टैन आ रहा है, टैन थीटा बराबर क्या था अभी हमारे पास, तो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। रिपोज का मतलब ये है कि अगर एक दो ऑब्जेक्ट को आप इंक्लाइन प्लेन पर रख रहे हैं तो दोनों स्लिप हो रहे हैं, स्लिप, ठीक है। दोनों कंडीशंस पर हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन इन दोनों को वैल्यू कर रही है, मींस कौन सी कंडीशन पर ये रुके रहेंगे, कौन सी कंडीशन में स्लिप होने लगेंगे, और कितने फोर्स पर ये ऊपर जाएगा, कितने फोर्स पर नीचे आएगा, ये सब कंडीशन को हमें समझना है। ये एक बेसिक कंडीशन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एक बेसिक फ्रिक्शन की वैल्यू है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कुछ फ्रिक्शनल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, वेट पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि भाई आपने देखा ना, रिएक्शनल फोर्स जो है, जो रिएक्शन काम कर रही थी, वही रिएक्शन ही आपका सारा का सारा काम क्लियर कर रही थी, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार एज इट इज़ पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स किस पर निर्भर नहीं करता है, तो मास पर निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड्स करता है, डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और इंटेंशन ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गए आपके छोटे से एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसके आगे आपका क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गए, कुछ बेसिक से एग्जांपल्स देख लीजिए इसके। एंगल ऑफ रिपोज आपने देख ही लिया है, अब आपका बचा है दो क्वेश्चंस, हाँ ये देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे एक एग्जांपल ये एंगल है थीटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, इसका नाम है M, ठीक है। नीचे की तरफ काम करेगा इसका Mg, इधर काम करेगा इसका Mg cos थीटा, इधर की तरफ काम करेगा Mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, रिएक्शन R, ठीक है। इतना क्लियर है। इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, नीचे की तरफ लिख देते हैं इसको भी। इंटेंशन ऑफ मोशन डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ से, मतलब इस मैं इस क्यों बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पर इस गुटके को, जो ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक को स्टेशनरी बनाने के लिए, मतलब रोके रखने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा ऊपर की तरफ, इसका नाम हो जाएगा एफ आर, ठीक है, एफ आर। अब बस आपको यहाँ से दो इक्वेशंस बनानी है, उसे समझना है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ऊपर की तरफ देखो फोर्स लग रहा है, पहले आप इसको इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन हो गई आपकी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जो एफ आर काम कर रहा है, तो एफ आर कैसा काम कर रहा है यहाँ पर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हम यहाँ पर एफ एस करेंगे पहले, तो एफ एस क्या होता है, म्यू आर होता है, ठीक है ना, म्यू आर होता है, इक्वेशन नंबर टू हो गई, इसको बना लो। फिर इक्वेशन नंबर थ्री क्या बनेगी, ऊपर की तरफ दो फ्रिक्शन काम कर रहे हैं एफ और ये, ठीक है, दोनों फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ प्लस एफ एस, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। इन तीन इक्वेशंस को आपको अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर करना है, ठीक है। अब आप इस एफ एस की वैल्यू को थोड़ा समझ लो बस, एफ एस कितना आ जाएगा आपका, म्यू एम जी कॉस थीटा, इस आर की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एफ कितना लगाना पड़ेगा आपको, एम जी साइन थीटा माइनस का एफ एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा माइनस का कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, कितना बचा, क्या कॉमन हो रहा है, एम जी कॉमन हो रहा है, एम जी
साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा एफ। इतना फोर्स आप लगाएंगे जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब ये ऑब्जेक्ट वहीं पे रुका रहेगा, चलेगा नहीं, रुका रहेगा, ठीक है। इसी कंडीशन में दूसरी बार आ जाइए, अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर और खिसकाना है, एक एक्सेलरेशन से ऊपर खिसकाना है, तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी, बस यहीं पर खेल हो गया। समझो फिर से एक बार, एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खिसकाना है ए एक्सेलरेशन से, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तब क्या बनेगा मामला, दूसरे मामले को समझते हैं। ये एक ब्लॉक हो गया, इंटेंशन ऑफ मोशन में नहीं लिखने वाला कुछ भी, अब ये हो गया ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया नीचे की तरफ एम जी, इधर जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये थीटा एंगल पर है, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है पर हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इंटेंशन ऑफ मोशन किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगा है नीचे की तरफ एफ एस, नीचे की तरफ, ठीक है, और हमने इस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है, इसकी वजह से एफ इसका वैल्यू हो जाएगी ए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना है हमको, और ये इस पर रिएक्शन लग गई आर। सारी कंडीशंस वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, तो यहाँ पर कंडीशन में रख लो आर इज इक्वल एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन, आर ऊपर की तरफ एम जी नीचे की तरफ बराबर हो गया, फिर एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एस नीचे की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और एम जी सेंटर नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस, ठीक है, एफ एस कितना था आपका, अब हमने इस कंडीशन को मान लिया एफ एस डैश, मान लो एफ एस डैश, इसको एफ एस डैश मान लो, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ इज इक्वल एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस आर, आर कितना है एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉमन कर लो, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, कुछ समझ में आया बताओ, अभी मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा इस तरह से। अब एग्जांपल ये है, समझो हमने एक फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 12 न्यूटन, इस पूरे की वैल्यू, ठीक है, और हमने फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन, बराबर हो गया, देखो कट रहा नहीं कट रहा, बैलेंस है, क्लियर है इतना, क्वेश्चन में ही समझो, ऊपर 10 लग रहा है, दो ये हो गया, 12 ये हो गया, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 12, कितना लेस कर रहे हो, 2, कितना बच रहा है, 10, 10 न्यूटन आ रहा है ना वहाँ पे, क्लियर है इतना। इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर दो जरा, इसकी वैल्यू कितनी है 12, हमने लगाया 10, इधर लग रहा है 2, कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब 4, 4 से नीचे जाएगा, हमें क्या करना है, हमें बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मान लो हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया 16 न्यूटन का, और अपोजिट में कितना लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन की, है ना 10 न्यूटन, देखो 10 न्यूटन है ना ये वाला, ये दो है, ये दो है, अप्लाइड फोर्स कितना हो गया देखो 14 हमने लगाया, तो कितने से आगे ऊपर जाएगा, मींस कितने से जाएगा 2, 4, 12, 12, 4 न्यूटन से ऊपर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, 4 न्यूटन से ऊपर जाएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एफ एस डैश है ये वाली वैल्यू एफ एस डैश, ठीक है, और यहाँ पर जो एफ एस दिया हुआ ये, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इसलिए इस कंडीशन को, इस कंडीशन को मर्ज करने पर हमें ये समझ में आएगा कि इस कंडीशन में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके आगे आइए रोल वाली कंडीशन पे, अब इसके आगे आइए रोल वाली कंडीशन में, रोल मतलब वो रोल नहीं, एक रोलर है आपके पास में, वो वाली कंडीशन, जब रोलर काम करेगा तब क्या होगा, वो कंडीशन बता रहा हूँ, दो कंडीशन बची है बस, वही देख लो, काम खत्म, उसके बाद, उसके बाद फ्रिक्शन का सारा सुपड़ा साफ, फ्रिक्शन का सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा इसके बाद,
सारा का सारा मामला खत्म, फ्रिक्शन का काम खत्म। फ्रिक्शन द एंड हो जाएगा आपका यहाँ से, न्यूमेरिकल एग्जाम करवा दूंगा, बस काम खत्म आपका, इस चैप्टर का स्वाहा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ जाओ, अब है रोलिंग वाली कंडीशन। रोलिंग वाली कंडीशन में दो कंडीशन देख लिए, एक पुल कंडीशन एक पुश कंडीशन। पुल वाले में क्या होगा, पुश वाले में क्या होगा, दो कंडीशन देख लिया, दोनों एक साथ देख लो। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक एक्सेल है, यहाँ पर ये इसका ऊपर वाला है ना भाग, इसका वेट है mg, ये एक सरफेस पर है, ये सरफेस है, ठीक है, ये थीटा एंगल पर इसको पुश किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन है, ये हो गया mg, और यहाँ पर इसको पुश किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा R, और ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन होगी, एक कंडीशन में हम इसको धकेलेंगे, धक्का देंगे, एक में इसको पुल करेंगे, एक में पुश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी कंडीशन, ये है पुश कंडीशन और ये है पुल कंडीशन, ठीक है। दोनों कंडीशन समझ लो, ऊपर से एंगल इसका थीटा दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से थीटा। तो यहाँ पर अगर हमने अप्लाइड फोर्स F रखा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स जाएगा, उसी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F साइन थीटा, ठीक है। इंटेंशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जब हमने फोर्स इधर रखा है तो इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, एफ के मान लो इसको, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का लिए काम कर रहा है। फिर इतना हो गया, ऊपर की तरफ एक काम करेगा फोर्स, वो कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, बस बैलेंस कर दो दोनों को, एफ कॉस थीटा प्लस आर, दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर तक लग रहे हैं ना, इज इक्वल टू एम जी, ये नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, बराबर हो गया, इक्वेशन वन हो गई है, ठीक है। फिर ये एफ इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो हो जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के, ठीक है। एफ के इज इक्वल क्या होता है, म्यू आर इंटू के, तो एफ के जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किस पे काम करता है, म्यू के इंटू आर। R की वैल्यू कितनी आई है, तो R की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो इस इक्वेशन में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस इक्वेशन में R की वैल्यू हो जाएगी कितनी, R mg माइनस का F cos थीटा, ठीक है ना। और इस वाली R को यहाँ पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल म्यू के डॉट mg माइनस का F cos थीटा, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन, इस पे आ जाओ। अब देखो इधर लग रहा है, तो इधर फोर्स लगेगा F साइन थीटा, इधर लगेगा F कॉस थीटा, पर रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगी R, तो ये हो जाएगा आपका कितना, R इज इक्वल एम जी प्लस F कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और F के यहाँ पर कितना हो जाएगा, F के हो जाएगा म्यू के इंटू आर, कितना है एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। कुछ समझ में आया, कौन ज़्यादा कौन कम, कौन ज़्यादा कौन कम, तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। कैसे ज़्यादा हो गई, समझो, जब आप किसी भी रोलर को जो आपकी ग्रास प्लेन करता है, जो सरफेस को प्लेन करना है, सिर्फ प्लेनर नहीं होता है वो, प्लेन करने वाला रोलर आपके पास है और आप धक्का दे रहे हैं उसे, ठीक है। धक्का देने के साथ में आपकी डायरेक्शन देखो, अब इसमें इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा एफ आर, ठीक है, एफ आर इधर काम करेगा, तो यहाँ पर एफ आर और यहाँ पर एफ आर, दोनों में डिफरेंस समझ लो। जब हम इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, इस डायरेक्शन में खींचेंगे मींस इस इधर खींचेंगे, तो इंटेंशन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन फैक्टर काम कर रहा है। दूसरी बात आइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर दोनों का जो इसका एक्चुअल वेट होगा वो प्लस कॉस फैक्टर ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बस यहीं पर आपका खेल हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा, पुल और पुश करने में किसमें फ्रिक्शनल की वैल्यू ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो इसको डैश मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं फ्रिक्शनल पुश ग्रेटर देन फ्रिक्शनल पुल, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मेरे हिसाब से इतना ही आपके चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था, बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है, जो न्यूमेरिकल थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो सभी के सभी आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ऐसे देते रहें। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।